अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की शुरुआत हो गई है। 9 मार्च से ही रोहिंग्याओं को मणिपुर से भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मणिपुर के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को जोर देकर कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के चलते मणिपुर का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। बीरेन सिंह इस बात पर जोर देते रहे हैं। अवैध हथियारों और नशे की तस्करी बढ़ रही है। याद कीजिए, कुछ महीने पहले ही मणिपुर में जमकर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के पीछे भी इन घुसपैठियों का ही हाथ बताया जा रहा है। अब रोहिंग्याओं को पहचान कर वापस उनके देश भेजने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। आइए पहले आपको बताते हैं कि रोहिंग्या हैं कौन और ये अपने देश म्यांमार से भागकर भारत क्यों आ गए हैं। ये सुन्नी मुसलमान हैं, जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आए हैं। म्यांमार एक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का देश है, जहां रोहिंग्या मुसलमान माइनॉरिटी में है। म्यांमार की गवर्नमेंट इन्हें बांग्लादेशी मानती है। ये वो बांग्लादेशी थे जो ब्रिटिश काल में किसानी करने के लिए म्यांमार आए थे, जबकि बांग्लादेश ये कहता है कि रोहिंग्या हमारे हैं ही नहीं, वो तो म्यांमार के हैं। अजीब स्थिति तो ये है कि दोनों देश इन्हें अपना मानने से इनकार कर रहे हैं। तो ये ऐसा समुदाय बन गया है जिसका अपना कोई देश ही नहीं है। आजादी के बाद से ही म्यांमार बहुत अनस्टेबल रहा है, अस्थिर रहा है। वहाँ सैन्य शासन चलता रहा है। जब म्यांमार में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, थोड़ी सी स्थिरता आई, तो जनगणना कराई गई, लेकिन रोहिंग्याओं को सेंसस का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनसे ये कहा गया कि वो जबरदस्ती बांग्लादेश से चले आए हैं, तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए म्यांमार में बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक रोहिंग्या ने बौद्ध महिला का बलात्कार कर दिया और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी से निर्मम तरीके से उसकी हत्या भी कर दी। बौद्ध आबादी के बीच रोहिंग्याओं को लेकर गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई और रोहिंग्या मुसलमान वहां से खदेड़े जाने लगे। कहा तो यहां तक जाता है कि आम लोग और सैनिकों ने मिलकर रोहिंग्याओं पर जमकर हिंसा की, गांव के गांव जला दिए गए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और इस नरसंहार के बीच 2017 में बड़ी तादाद में रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश पहुंच गए। ये समुदाय बांग्लादेश में बड़ी तादाद में रहता है, हालांकि कितनी संख्या होगी ये ठीक ठीक आंकड़ा अभी तक पता नहीं किया जा सका है। 2017 में जब म्यांमार से भागकर रोहिंग्या यहाँ आने लगे, तो बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट के कॉक्स बाजार में इन्हें बसाया जाने लगा, बसाए जाने का इंतजाम किया जाने लगा। कॉक्स बाजार बंगाल की खाड़ी पर एक लंबा सा समुद्री तट है। यहाँ बड़े बड़े शेल्टर बनाए जाने लगे। सरकारी डेटा के मुताबिक इस इलाके में 1,30,000 से ज्यादा शेल्टर बनाए गए और इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रोहिंग्याओं की कितनी विशाल आबादी बांग्लादेश भाग कर गई होगी। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं की संख्या आखिर कितनी है। दरअसल इसका भी ठीक ठीक आंकड़ा अभी तक जुटाया नहीं जा सका है, लेकिन UNHRC के मुताबिक 21,000 से ज्यादा रोहिंग्या हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की संख्या बहुत ज्यादा है। दावा तो ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही इनकी संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। अवैध रूप से 1,00,000 से ज्यादा रोहिंग्या वहां रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर समेत देश के बाकी हिस्सों में भी रोहिंग्या चोरी छिपे बसे हुए हैं। भारत शरणार्थियों को लेकर काफी उदार रहा है। रोहिंग्या को लेकर भी शुरुआत में भारत को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे अस्थिरता और अराजकता फैलाने में रोहिंग्याओं का नाम सामने आने लगा। कई देशों में इनका संपर्क था और इन देशों में इनकी संलिप्तता तस्करी में पाई जाने लगी। फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में ये माहिर हो गए और कई तरह के गोरख धंधे करने लगे। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब अलग अलग राज्यों के मूल जो निवासी थे इनसे परेशान होने लगे। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि रोहिंग्याओं के आने से उनके अधिकार छिन रहे हैं, उनके अधिकार बट रहे हैं। मणिपुर हिंसा में भी इनका नाम सामने आया। मणिपुर हिंसा से ठीक पहले बड़ी संख्या में रोहिंग्या मणिपुर राज्य में आए थे। बहुतों को हालांकि उस वक्त डिटेन भी किया गया था। दरअसल रोहिंग्या नॉर्थ ईस्ट इसलिए आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो म्यांमार से सटी हुई हैं और ये जो सीमा है वो 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। दोनों सीमाओं पर पहाड़ी आदिवासी रहते हैं और इन लोगों का आपस में काफी मोल जोल है, काफी करीबी और मधुर रिश्ते हैं। उनसे मिलने जुलने और व्यापार की मुश्किलों से उन्हें गुजरना ना पड़े, इसलिए भारत और म्यांमार ने मिलकर ये तय किया कि सीमाएं 16 किलोमीटर तक वीजा फ्री कर दी जाए और आने जाने की इस आजादी का फायदा इन घुसपैठियों ने उठाया और वे बड़ी संख्या में सीमा पार करके धीरे धीरे करके भारत में आने लगे। अब रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किया जाने लगा है। तैयारी कर ली गई है कि उन्हें डिपोर्ट किया जाए और सीमाओं को भी घेर दिया जाएगा, यानी कि अब पहले की तरह मुक्त आवागमन नहीं हो पाएगा सीमाओं पर। अब क्योंकि म्यांमार एक अस्थिर देश है, वहां अक्सर हिंसा होती रहती है, वहां से भाग भाग कर रिफ्यूजी भारत आते रहते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में हर साल शरणार्थियों को अकोमोडेट करना, अपनाना कम से कम देश के लिए तो बहुत मुश्किल होगा।